हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पोकेमॉन यूनाइट की नई लीग की वीडियो में कह सकते हैं काइंड ऑफ लीग, क्योंकि भाई इसमें देखो जो मैं बता रहा था आपको निंटेंडो का वो आया ना, वो गाइस मैंने जैसे तैसे करके वीपीएन लगा के मेरे को खोलना पड़ा वो लिंक, क्योंकि वो मतलब नॉर्मल उसमें खुल नहीं रहा था, लोड ही नहीं हो रहा था वो, तो वीपीएन लगा के मैंने उसको जैसे तैसे ओपन किया है। जो ये वाला लिंक था जो निंटेंडो वालों ने वो डाला था कि नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा हो सकता है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग वो है इसके कि शायद ये पोकेमोन आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस जो भी नया बंदा है चैनल पे भाई प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब बटन, भाई दबा दो गाइस सब्सक्राइब का बटन। तो चलो बिना किसी उसके स्टार्ट करते हैं, मतलब पढ़ते हैं उन्होंने ऐसा क्या लिखा है। तो लीग में लिखा है उन्होंने कि एज्यूमेरल मतलब तीन न्यू पोकेमोन, बॉटम लाइन पढ़ सकते हो, तीन न्यू पोकेमोन बहुत जल्दी आने वाले हैं। लोब बनी का मैंने आपको बता दिया था, लोब बनी का है। और देखिए एक और चीज़ है कि मतलब लोब बनी की इमेज वेमेज लीक हुई थी, और डेलफॉक्स का यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब डेलफॉक्स को टेस्ट भी किया गया पोकेमॉन यूनाइट के अंदर। देखो यहाँ पे टेस्टेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द गेम, पर अगर उनकी मर्जी यूनाइट वालों की उसे डालते हैं नहीं डालते हैं। और यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि जो नेक्स्ट पोकेमॉन था वो अप्रैल के एंड में आने वाला है। तो गाइज अप्रैल तो एंड हो चुका है लगभग, बस मेरे ख्याल से तो 7-8 दिन बाकी है, तो मतलब कोई अपडेट का वो आना चाहिए गाइज, ट्वीट आ जाएगा मेरे ख्याल से 3-4 दिन में। और ये ओम्ब्रियन और एस्पियन का तो मतलब सबको ही पता था कि एक पोकेमॉन ऐसा आएगा जो पोकेमॉन में है उसके एवोल्यूशन, तो ईव इकलौता पोकेमॉन है जिसके मल्टीपल एवोल्यूशंस हैं। तो गाइस ईव के अलावा मेरे ख्याल से और कोई हो नहीं सकता, तो गाइस मतलब ईव भी आ सकता है। तो भाई तीन पोकेमॉन से रिलेटेड एक ये अच्छी चीज़ मिली है मेरे को, जो है कि पोईपोल एक ऐसा पोकेमॉन की जो पोकेमॉन नहीं है वो वैसा एक पोकेमॉन आ सकता है जिसका एवोल्यूशन फॉर्म है नागानेडेल करके। और भाई इसका एवोल्यूशन फॉर्म मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, मेरे को थोड़ी हुपा जैसी वाइब दे रहा है। ये देखिए जब इवॉल्व होगा तो ये हुपा जैसी पूरी की पूरी वाइब दे रहा है, पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, तो भाई ये पोकेमॉन तो अच्छा लग रहा है देखने में। और गाइस हम अपडेट का वेट करें गाइस, पता नहीं कितने दिन में और नोटिस डालेंगे ये। आज तो मेरे ख्याल से 23 हो गया गाइस, अब तक मतलब बैटल पास भी एंड हो जाएगा 5 दिन में, तो गाइस 5 दिन और वेट तो हम आराम से कर सकते हैं। जब इतने दिन वेट कर लिया हमने तो थोड़े दिन और वेट करने में क्या जा रहा है। तो गाइस आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आ सकता है स्ट्रांगली? तो देखो डेलफॉक्स तो कन्फर्म है, उसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि और कौन सा आ सकता है? तो गाइस नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो पर लाइक कर देना। एम करते हैं गाइस 100 लाइक्स का, आज के दिन में शायद पूरा हो जाए तो अच्छा लगेगा गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।